छपरा से एक बड़ी खबर है, 24 घंटे में तीसरा पुल टूट गया है। बनियापुर के सरैया में पुल टूटा है, पंचायत की योजना से ये पुल बना था, बरसात के पानी में ये पुल ध्वस्त हो गया है। तो 24 घंटे के भीतर ही तीसरा पुल टूट गया और इसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े होने लग रहे हैं। बनियापुर के सरैया में पुल टूटने की खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज एटीन संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए बनियापुर के सरैया में पुल टूटने की खबर सामने आ रही है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए पिछले 24 घंटे से छपरा लगातार चर्चा में है, लगातार पुल गिर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये तीसरा पुल है, कल भी जनता बाजार इलाके में दो पुल गिरे थे। हालांकि एक पुल जो था वो 150 साल पुराना था, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन जो 18-19 साल पुराना पुल था जो विधायक योजना से बना था, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसके निर्माण में गुणवत्ता में कमी थी जिस कारण से ये टूट गया। लेकिन मैं बता दूं कि लगातार बारिश हो रही है, पिछले 48 घंटे से छपरा में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण पानी का बहाव काफी तेज है और इस बहाव के कारण ही पुल टूटा है। और अभी जो मामला सामने आया है, सुबह सुबह बनियापुर के सतुआ पंचायत को जाने वाली जो सड़क है, सरिया से सतुआ पंचायत को जोड़ती है ये पुल बनाया गया था, वो पुल अब ध्वस्त हो गया है। वहां पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वो पुल जो है बरसाती पानी से ही पूरी तरह से जमींदोज होने के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि उसका दोनों तरफ की मिट्टी कट गई है और पिलर्स भी टूट गए हैं, वो पुल किसी वक्त गिर सकता है, लेकिन अभी खड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से ये पुल के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, सही ढंग से नहीं बनाया गया है जिस कारण से ये पुल टूट रहे हैं। हालांकि डीएम ने कहा है कि इन तमाम मामलों को देखा जाएगा, उसमें कहा क्या कमी रह गई है, किस कारण से पुल गिरा है, इससे की जांच कराई जाएगी, लगातार प्रशासन द्वारा यह कहा जा रहा है। लेकिन लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो निर्माण कराने वाली एजेंसियां है वो समझौता कर रही है, सही ढंग से नहीं बना रही है पुल, जिस कारण से जो लोगों की सुविधा के लिए पुल बनाए गए थे वो टूट रहे हैं। जी संतोष, देखिए ये तो छपरा में केवल 24 घंटे के भीतर तीन पुल गिरने की खबर सामने आई, लेकिन पिछले 6-7 महीने की अगर बात की जाए तो पुल गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ऐसे में कई तरीके के सवाल उठते हैं कि क्या बिहार में जो इंजीनियर्स पुल बनाते हैं, क्या सारे ही पुल में ऐसे भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा? जी देखिए, छपरा के लिए ये कोई नई बात नहीं है, छपरा में पहले भी पुल टूटने की घटनाएं हुई थी। मैं बता दूं कि जो फोरलेन पर एक बड़ा पुल बना था, रेलवे ओवरब्रिज बना था, जो कि बिशनपुरा से लेकर के सीधे फोरलेन सड़क को जोड़ती थी, 6 लेन सड़क को जोड़ती थी, उस पुल में भी दो जगह टूट हुई थी, जहां से एक का निर्माण अभी पिछले 1 साल से चल रहा है, उसको उस पर यातायात को रोक दिया गया था, आज भी उस पर निर्माण चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं, उस वक्त भी निर्माण में खामियों को उजागर किया गया था, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और वो पुल उसी तरह से खड़ा है। लोगों की सेवा के लिए जिस पुल को बनाया गया था उसके निर्माण का प्रक्रिया फिर से जारी है, नए सिरे से उस पुल को बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक उस पुल को फिर से चालू नहीं किया जा सकता, इसके कारण पूरा छपरा जो है जाम की समस्या से जूझ रहा है। और ये जो छोटे छोटे पुल ग्रामीण इलाकों में बनाए गए थे लोगों की सुविधा के लिए, वो अभी छोटी सी अभी बरसात की, मैं बता दूं कि बरसात की भी शुरुआत ही है, मानसून की शुरुआत है, पूरी तरह से पानी फुल क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में ही इस तरह का हालात है, तो आगे भी लोगों को आशंका है कि आगे और भी पुल गिर सकते हैं जिस तरीके से निर्माण में खामियां हुई है। और लोगों का कहना है कि सरकार एक बार बड़े स्तर पर इसकी पूरी जांच कराए कि निर्माण में कहां कमियां रह गई, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है। खास करके छपरा में 24 घंटे में तीन पुल अगर गिरे हैं तो सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक पुल जो था वो 150 साल पुराना था, वो अब एबोंडेड टाइप का था, वो पानी के बहाव को नहीं झेल सका, लेकिन जो दो पुल बने हैं वो हाल के बने हुए थे, उनको अभी ठीक ठाक होना चाहिए, जैसा लोगों का कहना है कि उनको अभी जनता की सेवा करना चाहिए था, लेकिन वो इस पानी के बहाव में अगर टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जी संतोष, इसके बारे में जरा बताइए कि ये पुल टूटने की जो घटना है वो कब की है? ये जो बनियापुर में पुल टूटा है वो सरैया से सतुआ पंचायत को जोड़ने वाली है, वो पंचायत योजना से मुखिया की योजना से बनी थी और वो आज सुबह में, चूंकि रात भर बारिश हो रही है, आज सुबह ही वो पुल टूटा है। जैसे ही लोगों ने इस पुल को टूटने की खबर मिली, उसके वीडियो आए सामने, वो वीडियो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और कल भी हमने जो दो वीडियो दिखाए थे किस तरह से पुल लगातार गिर रहे हैं, तो ये तमाम वीडियो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर वीडियो अब सामने आ रहा है, हर वीडियो लोगों के सामने है, तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर पुल इतने कमजोर क्यों बन रहे हैं, चूंकि सिर्फ पुल टूटने की ही बात नहीं, अगर उस पुल पर कोई बड़ी गाड़ी चल रही होती या कुछ लोग होते तो वो भी हादसे के शिकार हो सकते थे, जान माल की भी क्षति हो सकती थी। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों के जवाब के लिए लोग सरकार की ओर टकटकी लगाकर खड़े हैं। ठीक है संतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। सिवान में कल एक एक करके चार पुल टूट गया, गंडकी नहर पर बना तीन पुल ध्वस्त हो गया, वही नहर पर बना एक पुल ध्वस्त हुआ है। एक दिन में सिवान में चार पुल ध्वस्त होने से हड़कंप मच गया है, कई गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, बाजार और स्कूल जाने में छात्र और ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। खुद सिवान के डीएम ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया,
पहला पुल महाराजगंज अनुमंडल में पड़ाइन टोला गांव के पास टूटा, दूसरा पुल सिकंदरपुर गांव के पास टूटा, तीसरा पुल टेघड़ा गांव के पास टूटा, तो चौथा पुल नौतन प्रखंड में टूट गया। तो ग्रामीण जल्द से जल्द पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब नहर की सफाई की जा रही थी तभी इसका विरोध किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात